बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूरे खानादारी में खुश आमदीद, एक बहुत प्यारे दिन, एक बहुत प्यारी सुबह और एक नई उम्मीद के साथ। कैसे हैं सब मेरे यूट्यूब फैमिली के लोग? अल्लाह के करम, अल्लाह की रहमत की निगाह से मैं और मेरी फैमिली और मेरे बच्चे खुशहाल हैं, और अल्लाह से उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब फैमिली के लोग भी अपने अपने घरों में, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो मैंने लिया था एक दिन का ब्रेक और अब एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं एक छोटी सी मानो को, इसने तबाह कर दिया सारे का सारा पाउडर, और उसके बाद ये बनाने लगी अलग अलग किस्म के पोज अपनी मामा को बहलाने फुसलाने के लिए, ताकि इसकी अच्छे से ठुकाई ना हो। अभी तो ये बहुत छोटी है, बस ठुकाई तो नहीं हुई, बस प्यार से इसके कपड़े चेंज करवाए गए, इसको दिया गया फीडर। इस वक्त थोड़ा सा लाइट का भी इशू आ रहा था, तो लेकिन ये बड़ी क्यूट लग रही थी ना, नाराज़ सी होके कंबल लेके फीडर पीते हुए। तो चले मैंने कहा इसको शूट करती हूँ यूट्यूब की फैमिली के लिए, और ये थोड़ा क्लिप आगे पीछे हो गए हैं। ये सबसे पहले वाले क्लिप थे, देखिए ये कितनी प्यारी साफ़ सुथरी अच्छे से रेडी होके और अपना फीडर इंजॉय कर रही थी। पता नहीं इसके दिल में क्या आया या कौन सी ऐसी शैतानी इसको सूझ गई कि बस इसने सारे का सारा जो फीडर है, नहीं सॉरी पाउडर जो है उसको गिरा दिया। तो ये है, आज मैं आपको दिखा रही हूँ भरवा बैंगन। आज मैं रेसिपी तो कोई भी शेयर नहीं करूँगी, आज होंगी अच्छी अच्छी बातें यूट्यूब की फैमिली से, क्योंकि आज मुझे करने थे ढेर सारे कपड़े प्रेस, बड़े बेटे के, छोटे बेटे के और उनके बाबा के। मेरी बेटी और मैं जो हैं, जब हम कपड़े चेंज करते हैं उसी वक्त ही प्रेस करके पहन लेते हैं, लेकिन इनके पहले प्रेस करके रखने पड़ते हैं। और ये मानो दिखा रही थी अपना ड्रेस, और मुझसे गलती होगी, जब मैंने ये ड्रेस सिलाई करवाया तो मैंने इसकी जो स्लीव्स हैं ना वो मैंने हाफ़ रखवा दी, बस डिज़ाइनिंग के चक्कर में फूल बाजू बनवा रही थी और चुंटों वाले, तो मैंने हाफ़ रखवा दिए। लेकिन ये वेलवेट का सूट है तो अब मुझे लग रहा है कि बाजू फूल होने चाहिए थे। तो ये भी अपने साथ साथ में इसकी भी शैतानियाँ चल रही थी, साथ में कपड़े भी प्रेस हो रहे थे, तो मैं ना आज खाना बना नहीं पाई ना, तो हम फिर खाना बाहर से ले आए थे। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये एक दिन पहले का क्लिप है। ये है बिरयानी का डब्बा, ये मेरा बहुत ही माशाल्लाह प्यारा भाई और भाभी जो हैं वो गए थे बाहर, तो उन्हें लगा कि मुझे भी बिरयानी पसंद है, सब बहन भाइयों को हम मेरा चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, तो बस फिर वो वापसी पे मेरे लिए भी पैक करवा के लाए। तो ये मेरे ना शूट लेने से पहले ही बच्चों ने ना इसकी हालत ना काफ़ी बिगाड़ दी थी। मैंने कहा चलें जो भी है आपसे शेयर करती हूँ एक अच्छी सी बात, एक अच्छी सी याद, कि अल्लाह ने इतने प्यारे रिश्ते दिए हैं, बहन भाई दिए हैं, जो दुख सुख में, तकलीफ़ में एक दूसरे को याद रखते हैं। और ये मैंने बनाया था बहुत ही मज़ेदार कीमा, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी नहीं डाली। आलू कीमे की रेसिपी भी है, सिर्फ भुना हुआ कीमा उसकी भी रेसिपी है। तो बस ये आज मैंने सारे ही क्लिप जोड़ के ना आपके साथ शेयर किए हैं। असल में ना आज मुझे काम बहुत ज़्यादा था, कपड़े प्रेस करने थे, दिन भी बहुत छोटे हो गए और बच्चे भी हैं मेरे साथ, तो बस फिर मैंने कहा इस्त्री की वीडियो क्या शेयर करनी, सभी कपड़े प्रेस करते हैं अपने अपने घर में, तो बस ये कुछ नए पुराने सारे क्लिप थे, मैंने उनको जोड़ा और जोड़ के बस एक वीडियो बना ली आज की। मैंने कहा इसको अपनी यूट्यूब की फैमिली से शेयर करती हूँ, और साथ ही मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें कितने अच्छे और प्यारे रिश्तों से नवाजा है, जो दुख में, सुख में, तकलीफ़ में, मुसीबत में आके खड़े हो जाते हैं हमारे लिए। आपको पता होगा कि आज से एक दो दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी तो उसकी ना आवाज़ बंद हो गई, और जो मैंने एक प्यारा सा थंबनेल बनाया था वो भी नहीं आ पाया। तो मेरी बहुत ही प्यारी छोटी भाभी हैं, वो मेरी दिलजोई उन्होंने की और मुझे काफ़ी प्यार किया और समझाया कि आप ही डिसार्ट नहीं होना चाहिए। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, मतलब मोबाइल को वो काफ़ी समझ लेती हैं ना, तो फिर वीडियो को सेट करने की कोशिश की। अब थोड़े से मतलब प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, पता नहीं यूट्यूब की क्या पॉलिसी है, मैं यहाँ वो बातें शेयर भी कर पाती हूँ या नहीं कर पाती, इसलिए फिर कोशिश कर रहे हैं वीडियो की क्वालिटी को बेहतर से बेहतरीन करने की, अच्छा सा थंबनेल लगाने की। तो इसमें मदद कर रही हैं मेरी भाभी भी, तो अल्लाह ताला उनको भी जजाए खैर दे। और जो मैंने वीडियो का ब्रेक लिया, तो जो मेरी ऑडियंस में जो लोग थे, जो मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, उन सब का भी दिल से शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किसी को अपने घर में सुख दे, सकून दे। मैं फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक बेहतरीन रेसिपी के साथ।